इस सर्दी के मौसम में यदि फ्रेंड्स आपने ये रेसिपी नहीं बनाई तो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं बनाई। ये रेसिपी बहुत ही यूनिक और बहुत ही आसान है, और इसमें बहुत ही आसान से मतलब रेसिपी है, ज़्यादा चीज़ इसमें आपको कोई बाहर से ख़रीदना नहीं पड़ेगा। आपके पास जो चीज़ें घर में रहती उसी से चीज़ें बन जाएगी। तो आप लोग भी मार्केट से समोसा कचौड़ी दुनिया भर की चीज़ ला ला के खा खा के बोर हो गए हैं, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स, ये रेसिपी अपन बनाते हैं घर में। तो चलिए उसके लिए आपको एक आलू ले लेना है फ्रेंड्स, जिसे आपको अच्छी तरीके से छील लेना है, छिलनी से उसको अच्छी तरीके से बाहर की परत को आपको छील लेना है। छीलने के बाद फ्रेंड्स उसको आपको थोड़ा सा वॉश कर लेना है, जिसमें जो भी डस्ट या मिट्टी लगी हो उससे साफ़ हो जाए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, किस लेना है किसनी में, आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, कोशिश करना है कि इसका जो लच्छा रहे थोड़ा लंबा लंबा निकले, जिससे कि जो अपनी रेसिपी बनेगी उसमें जो इसकी लेयरिंग आएगी बहुत प्यारी दिखेगी, जिससे कि, और जैसे कि देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरीके से आपको दो तीन पानी में वॉश कर लेना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च रहता है। तो आपको दो तीन पानी से इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। उसको आप देख सकते हैं जो अपने वॉश करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा दिख रहा है, और साफ़ सुथरा करने के बाद इसको फ्रेंड्स आपको साइड पर रख देना है। और उसके लिए जब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं, तो ये अपना बॉयल आलू है, मैंने दो आलू लिया हूँ, ठीक है। आपको क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ा लेना है, दो आलू को आपको छील के ऐसे हल्का सा आपको तोड़ लेना है फ्रेंड्स, ज़्यादा उसको मसलना नहीं है, हल्का सा हल्का तोड़ के आपको इसे रख लेना है। और क्योंकि इसमें तड़का मारने के लिए अपन को लगेगा फ्रेंड्स ऑयल, तो ऑयल मैंने ज़्यादा मात्रा में नहीं लिया हूँ, थोड़ा सा 1 टीस्पून लिया हूँ। और थोड़ा सा अपने देख सकते हैं राई दाना है, और राई दाने के बाद फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा मुझे, यदि आप लोग इसमें ऑनियन खाना पसंद करते हैं उसमें आप थोड़ा सा ऑनियन भी डाल सकते हैं, मगर मैंने ऑनियन नहीं डाला हूँ, आप चाहो तो डाल सकते हैं। थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली चॉप करके डाला हूँ, और अपना ये ग्रीन पीस है जो मटर, इसको ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। इसको आप हल्का हल्का सोते कर लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आप लोग बिल्कुल स्किप ना करें और वीडियो में एंड तक बने रहें। अपने जो आलू छीले थे फ्रेंड्स, इसको भी इसमें ऐड कर देना है, थोड़ा इसको स्लो आँच में आपको इसको भूंज लेना है, बोले तो चला लेना हल्का हल्का। और बहुत ही यूनिक रेसिपी फ्रेंड्स, आपके घर में यदि मेहमान आया, यदि आपने ये रेसिपी बना दिया ना, तो आपकी तारीफ कर करके बिल्कुल थक जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें मैंने थोड़ा चाट मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट यूज़ किया हूँ, और आप जैसा भी चटपटा खाना पसंद करते हो उसके हिसाब से आपको इसको ऐड कर लेना है। यदि आप ग्रीन चिल्ली पसंद करते हो तो ग्रीन चिल्ली भी डाल लेना, थोड़ा सा आप इसमें लेमन भी का रस भी डाल सकते हैं। तो मुझे जो सही लगा मैंने अपने हिसाब से बना लिया हूँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंग बना लेना। और थोड़ा सा इसमें आपको हरी धनिया डाल देना ऊपर से बारीक कटी हुई, और उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 4 स्लाइस ब्रेड का यूज़ किया हूँ। यदि आपके पास ब्रेड तो आजकल हर किसी घर में रहता ही है, ब्रेकफास्ट में हर कोई लाता है ये ब्रेड, तो आप ये बिल्कुल रेसिपी ना देख सकते हैं, 4 ठो मैंने ब्रेड के स्लाइस से बनाया हूँ, और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा है दोस्तों इसको भी ना फेंके, इससे क्या होता है ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं, जो कि आप किसी में फ्राई करने के लिए उसमें लगा के उसको सोते करने के लिए क्रंची कर देता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ मैंने थोड़ा ग्रीन चटनी का यूज़ कर रहा हूँ, यदि आपके पास ग्रीन चटनी ना हो तो आप टमाटर सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास ग्रीन चिल्ली सॉस या क्या बोले तो जो भी आपके पास सॉस अवेलेबल है आप उसको डाल सकते हैं। यहाँ मेरे पास ग्रीन मतलब जो चटनी थी उसका मैंने यूज़ कर लिया हूँ, अच्छी तरीके से पूरे कोने में लगा दिया हूँ फ्रेंड्स। और उसके बाद जो अपन ने मसाला फ्राई कर रहे थे आलू और मटर का, तो उसको आपको उसमें बीच में रख देना है उनके पीस के हिसाब से, और अच्छी तरीके से चारों कोने में उसको दबा के हाथों के माध्यम से उसको बढ़िया सा लगा देना है। और मसाले में भरने में कंजूसी ना करें फ्रेंड्स, क्योंकि मसाला अच्छा रहेगा तो अच्छा टेस्ट आएगा। और दूसरी तरफ जो अपन ने जो अपना कच्चा आलू को अपन ने जो किसनी में घिसे हुए थे, तो उसमें अपन देख सकते हैं दोस्तों उसका पानी निचोड़ने के बाद इसमें थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स डाला हूँ मैंने, और थोड़ी सी कड़ी पत्ता है, और ये अपना आ गया कॉर्नफ्लोर, ठीक है। और इसमें थोड़ा सॉल्ट भी यूज़ किया हूँ, सॉल्ट थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि इससे पहले अपन ने मसाले में भी डाल चुके हैं। उसके बाद हल्का सा पानी डाल के उसको थोड़ा देख सकते हैं, और उसके बाद इनके जो ऊपर जो मैंने अच्छी तरीके से लगा दिया हूँ मसाले के ऊपर देख सकते हैं जैसे आलू। और दूसरी साइड आपको एक फ्राई पैन या नॉन स्टिक में आपको ऑयल गर्म कर लेना है, फ्रेश ऑयल, और उसके बाद आपको मीडियम फ्लेम में आपको जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ ऐसे ही आपको डाल लेना फ्रेंड्स, ठीक है। और जैसे कि आगे जो अपन ने कच्चा आलू था इसलिए इसको मीडियम फ्लेम पे ही आपको करना पड़ेगा, नहीं तो जल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा जो आलू अच्छे तरीके से पक गया था, और उसके बाद मैंने इसको पलटी कर दिया हूँ, थोड़ा सा इसमें ऑयल आ सकता है, बाकी कोई टेंशन नहीं है, और रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनने वाली दोस्तों। आप लोग ने ये घर में एक बार बना लिया ना, आपको बता क्या रहा हूँ, आपके मेहमान लोग आपकी तारीफ कर पूछने लगेंगे ये रेसिपी आपने बनाई कहाँ से।
तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताना, और जो भाई मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ज़्यादा टेस्टी बनी है, और आप लोग जब इसको घर में बनाएंगे दोस्तों बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, हर किसी को ये चीज़ पसंद आ जाएगी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और मैं ये रेसिपी आप लोग के लिए शेयर कर रहा हूँ, शायद आप लोग किसी को ज़रूरत पड़े, जब भी आप ब्रेकफास्ट में आपको टाइम मिले या इवनिंग में आपको टाइम मिले, स्नैक